एवरीवन, वेलकम टू तरुण आईएएस। मैं सौम्या और आपके लिए लेकर आई हूं 10 बिगेस्ट मिस्टेक दैट यू नीड टू अवॉइड व्हाइल डूइंग द यूपीएससी प्रिपरेशन। 10 ऐसी कौन सी मिस्टेक्स है जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी एग्जामिनेशन। सबसे पहली वो गलती जो अधिकतर बच्चे करते हैं, क्या करते हैं वो, दे स्टार्ट विदाउट अ प्लान, विदाउट अ स्ट्रेटजी। कि दिमाग में आया कि यूपीएससी करना है और बस स्टार्ट कर दिया। कोई प्लान नहीं है, कोई स्ट्रेटजी नहीं है, पता नहीं है किस डायरेक्शन में चलना है और बस हमने स्टार्ट कर दिया। नेवर डू दैट माई फ्रेंड्स। नेवर स्टार्ट एनीथिंग विदाउट अ प्लान, विदाउट अ स्ट्रेटजी। ऑलवेज हैव अ क्लियर स्ट्रेटजी एंड अ प्लान इन योर माइंड। दिस इज द वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स दैट स्टूडेंट्स डू। सेकेंड इज नॉट कमिट टू अ सिंगल प्लान। अब या तो स्ट्रैटेजी ही नहीं बनाएंगे, प्लान ही नहीं बनाएंगे। अगर प्लान बना लिया तो एक प्लान पे स्टिक ही नहीं होंगे, मल्टीपल प्लान्स, आए दिन प्लान चेंज होंगे। ऐसे प्लान चेंज होंगे जैसे मानो रास्ते बदल रहे हैं, ठीक है। डोंट डू दैट। एक प्लान अगर आपने बना लिया तो उसके बाद उस पर स्टिक रहो, ठीक है। बिलीव इन योर सेल्फ और उस पर स्टिक रहो। ये नहीं कि कपड़ों की तरह प्लान बदल रहे हैं कि आज अरे ये अच्छा नहीं है तो दूसरा, देन शिफ्ट। डो नॉट डू दिस, ठीक है। चलो, थर्ड इज नॉट बीइंग मेंस रेडी बिफोर द प्रीलिम्स। आप प्रीलिम्स के लिए, प्रीलिम्स से पहले मेंस तैयार ही नहीं है, सिलेबस देखा ही नहीं है मेंस का, कि मेंस भी आपको देना है पता ही नहीं है, सिलेबस आपने देखा ही नहीं है, कोई आइडिया ही नहीं है मेंस के बारे में। या अगर सिलेबस मान लो देख भी लिया तो नोट्स प्रिपेयर ही नहीं है मेंस के लिए, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी मत करना, बिकॉज मेंस इज द थिंग जिसके नंबर काउंट होंगे। ये जो 1750 मार्क्स मेंस के हैं, ये प्राइम मार्क्स हैं जो आपके काउंट होने वाले हैं। इसीलिए ये गलती बिल्कुल भी मत करना कि प्रीलिम्स देने चले गए और मेंस तैयार ही नहीं है, मेंस का आता पता ही नहीं है। ऐसा करोगे तो ट्रैक साइकिल में फंस जाओगे यूपीएससी की। प्रीलिम्स दोगे, मेंस सितंबर में होता है, मेंस लिखने जाओगे नहीं होगा, क्यों, क्योंकि प्रिपरेशन नहीं है। और उसके बाद वापस आओगे, अच्छा जब तक वापस आओगे जनवरी आ चुका होगा, दिसंबर आ चुका होगा, 3-4 महीने फिर प्रीलिम्स के लिए बचेंगे। ना तो प्रीलिम्स ढंग से हो पाएगा, ना मेंस ढंग से हो पाएगा, साइकिल और एक ट्रैप में आप फंस जाएंगे। ये बिल्कुल मत कीजिएगा, ठीक है। ये एक विशेष साइकिल है और इस विशेष साइकिल में नहीं फंसना है। और नहीं, कैसे नहीं फंसेंगे, सबसे पहले आपको इंटीग्रेटेड स्टडी करनी है जहां पे मेंस और प्रीलिम्स आप दोनों ही चीजों को टारगेट करें। उसके बाद सबसे पहले तो एक स्ट्रैटेजी, एक प्लान बनाइए, ठीक है। अगर आपने स्ट्रैटेजी या प्लान नहीं बनाई है, आप मेरी वीडियो भी देख सकते हो, प्रॉपर मैंने उसमें बताया है कि आपको स्ट्रैटेजी कैसे बनानी चाहिए, क्या प्लान होना चाहिए बेस्ट। जो एक प्लान, एक आइडियल प्लान यूपीएससी एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए होना चाहिए, वो प्लान मैंने आपको बताया है, तो वो जाके आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं। और यहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डू नॉट मिस इट, मेंस आपको तैयार करना है, एक इंटीग्रेटेड स्टडी करनी है, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद और क्या मिस्टेक हो सकती है, नो ओन नोट्स। अब हम क्या करते हैं, अपने ओन नोट्स नहीं बनाते, क्योंकि हम सोचते हैं हम तो नोट्स बना ही नहीं सकते, हमारे नोट्स तो परफेक्ट होंगे ही नहीं। मैं आपको क्लियरली बता दूं कि कोई भी नोट्स परफेक्ट नहीं होता। इनफैक्ट आप मार्केट में जाके टॉपर्स के नोट्स खरीदते हैं, वो भी परफेक्ट नहीं होते, ठीक है। सबके नोट्स में कुछ ना कुछ फ्लॉज होता है, इसीलिए जो आप अपने लिए नोट्स बनाएंगे बस वही परफेक्ट है। नथिंग इज परफेक्ट, एवरीथिंग स्टार्ट्स विद इम्परफेक्शन। आप जो अपने नोट्स बनाएंगे वही परफेक्ट है, बिलीव रखिए उस पर, ठीक है। हेल्प लीजिए दूसरे नोट्स से, बट अपने नोट्स खुद बनाइए। ये शॉर्टेस्ट तरीका बता रही हूं मैं आपको यूपीएससी एग्जामिनेशन को क्लियर करने का। देन डोंट नो द सिलेबस प्लस पीवाईक्यू। सिलेबस का आता पता ही नहीं है, बस चले जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं कुछ पता नहीं है, कोई ट्रैक नहीं है। पीवाईक्यू, अब बच्चा सिलेबस और पीवाईक्यू ही तो है जो आपको माइंडसेट डेवलप करेगी, और यही माइंडसेट से तो आप यूपीएससी क्रैक करोगे। किताबों से थोड़ा ना यूपीएससी क्रैक होगा कि मैंने आज 100 किताबें पढ़ ली तो अब चलो मैं बहुत ज्यादा ज्ञानी बन गया तो यूपीएससी हो जाएगा। नहीं, किताबें पढ़ के तो नहीं होगा, माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा। और वो माइंडसेट कैसे आएगा, सिलेबस और पीवाईक्यू से आएगा।
ठीक है, तो सिलेबस, और यूपीएससी इतना स्मार्ट है कि उसने प्रॉपर डिफाइंड सिलेबस दिया हुआ है, प्रीलिम्स का अलग सिलेबस है, मेंस का अलग सिलेबस है, सो वहां पे जाइए और सिलेबस को प्रॉपरली व्यू कीजिए, ना सिर्फ व्यू कीजिए उसको, आप बार 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 देखिए, अपनी टेबल के आगे उसको पेस्ट कीजिए, पॉइंट बाय पॉइंट नोट्स बनाइए। नोट्स कैसे बनाने हैं इसका भी वीडियो आप देख सकते हो, परफेक्ट मास्टरिंग ऑफ नोट्स मेकिंग स्ट्रैटेजी, ठीक है। नाउ डोंट नो हाउ टू रीड द न्यूज़पेपर, अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चे क्या करते हैं तीन तीन घंटे चार चार घंटे न्यूज़पेपर में वेस्ट कर देते हैं। न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी है, बहुत जरूरी है, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं दिन के तीन घंटे न्यूज़पेपर ही पढ़ती रहूंगी। 40 मिनट्स से ज्यादा अगर आपको न्यूज़पेपर में लग रहा है, दैट मीन्स यू आर गोइंग टू अ रॉन्ग वे। अब न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ना है, कैसे इस आर्ट को मास्टर करना है, आप मेरी वीडियो देख सकते हो, हाउ टू मास्टर द आर्ट ऑफ न्यूज़पेपर रीडिंग। प्लस डेली मैं आपके लिए करंट अफेयर्स लाती हूं, जहां पे न्यूज़पेपर, मैगजीन सभी चीजों को कवर करती हूं, आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है। बट न्यूज़पेपर में आपको ओवर टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं करना है और छोड़ना भी नहीं है, ठीक है, पकड़ भी नहीं सकते हैं ज्यादा, छोड़ना भी नहीं है, ओके, इसलिए बैलेंस करके पकड़ना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट है डिस्ट्रैक्शंस। अभी डिस्ट्रैक्शंस तो बहुत हैं, रॉन्ग यूज ऑफ सोशल मीडिया इज वन ऑफ द डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्टेड टुवर्ड्स योर फोन और एडिक्टेड टुवर्ड्स योर फोन, होता है, स्क्रॉल करे ही जा रहे हैं, करे ही जा रहे हैं, रुक ही नहीं रहे हैं हमारे हाथ, तो ये नहीं करना है, ठीक है। राइट मैनर में चीजों को यूज करना है, फोकस बिल्कुल राइट डायरेक्शन पे होना चाहिए, इसीलिए डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड होना चाहिए। अगर डिस्ट्रैक्शन ज्यादा होगा लाइफ में तो फोकस नहीं होगा, और फोकस नहीं होंगे तो यूपीएससी के बारे में तो भूल जाइए, ठीक है। सो इसीलिए डिस्ट्रैक्शंस को कम से कम रखिए, देन गिव अप और कीप थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट। अब रिजल्ट के बारे में सोचने से क्या होगा, जो चीज आपके हाथ में है ही नहीं उसके बारे में सोचने से क्या होगा, इससे बेहतर है जो चीज आपके हाथ में है, दैट इज हार्ड वर्क, पुटिंग योर एफर्ट्स इनटू द प्रिपरेशन, उसके बारे में सोचिए, ठीक है। सो इसीलिए ये जो 10 बिगेस्ट मिस्टेक है आप इनको मत कीजिए, ये करेंगे तो बहुत मुश्किल एक पूरा सफर हो जाएगा। आई डोंट वॉन्ट यू टू गेट ट्रैप्ड इंटू अ यूपीएससी साइकिल, आई वॉन्ट यू टू स्ट्रेट अवे क्लियर द एग्जाम, इन फैक्ट बी द टॉपर ऑफ यूपीएससी एग्जाम। सो अवॉइड कीजिए मिस्टेक, ध्यान से चीजों को व्यू कीजिए, एनालाइज कीजिए और माइंड सेट को डेवलप कीजिए। सो आज के लिए इतना ही, आई होप आप इस चीजों को ध्यान रखेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।